हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात की थी, और डॉपलर इफेक्ट में हमने ये बताया था कि एक फ्रेम है, वो एक बंदा है, किसी लाइट को देख रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके लिए कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। सपोज हमने बोला था कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ है, कितनी एफ है। एक दूसरा है जो इसके रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, वो भी इस एक लाइट को देख रहा है, सेम लाइट को, उसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगा, कुछ अलग होगा। तो ये एफ और एफ डैश में रिलेशन फाइंड आउट किया था, ये डॉपलर इफेक्ट था कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। इफ वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है, वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसको डॉपलर इफेक्ट बोल रहे थे। और फिर हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन भी सेटअप किया था, एफ और एफ डैश के बीच में, ठीक है, जो भी आया था उसमें। फिर हमने कुछ कंडीशन दो केस स्टडी किए थे, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 180 का, फिर थीटा इक्वल टू 90 का। तो वो सब कुछ डॉपलर इफेक्ट था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो हमने डॉपलर इफेक्ट से कैलकुलेट किया, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। जैसे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, फॉर वेलोसिटी, फॉर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं कि एक फ्रेम में इतनी है तो दूसरे फ्रेम में कितनी होगी, उसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से भी कैलकुलेट करते हैं वो चीज़। तो अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन आप ये समझ लो, फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति रूपांतरण, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो मैट्रिक्स मेथड से करते हैं ना हम लोग, वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखो क्या है, हम लोग एक चीज जानते हैं, अब तक जो डॉपलर इफेक्ट पड़ा उसमें डॉपलर इफेक्ट वैसे कंप्लीट हो गया, उसी के रिगार्डिंग कुछ और बात कर रहे हैं। हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा, तब हमने ये बोला कि कोई भी वेव है ना, ये वेव का इक्वेशन इस तरीके से हम लोगों ने लिखा, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। तो ये जो वेव का इक्वेशन है, इसमें एक बात ये है कि ये जो फेज है ना, ये फेज जिसको कला बोलते हैं हिंदी में, ये जो फेज है वो कांस्टेंट रहता है हर फ्रेम में। जो भी इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं उनमें सब में क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। निश्चर भी बोलते हैं इसको, इनवेरिएंट। तो जो फेज है कला, वो कैसा रहता, इनवेरिएंट रहता है। फेज मतलब ये k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t, ये कैसा रहता, निश्चल। निश्चल मतलब कांस्टेंट मान लो भैया, इनवेरिएंट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि k वेक्टर है, सपोज थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, टू डायमेंशन की नहीं, थ्री डायमेंशन की। तो थ्री डायमेंशन में बात करें तो के वेक्टर जो है वो आएगा के अक्ष आई के, के वाई जे के, के जेड के के, ऐसे आएगा, ठीक है। आर वेक्टर जो आएगा वो आएगा एक्स आई के, इसको भी थ्री डायमेंशन में लिख लो। तो जो डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, बट अब जनरलाइज बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पे रखेंगे अभी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इसमें क्या होगा, आई आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, के एक्स इंटू एक्स, इसमें क्या आएगा, के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड, ऐसा आएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख दो ये सारे वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलो लिखो, के एक्स डॉट एक्स प्लस के वाई डॉट वाई प्लस के जेड डॉट जेड माइनस ओमेगा टी, निश्चय है, दिस इज इनवेरिएंट, ठीक है, कांस्टेंट मतलब। आगे चले, चलिए भैया अब समझिए क्या है सीन, ऐसा है। अब मैं इनको, जैसे हम लोग फोर वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, चतुर्विम आकाश की बात करते हैं, जिसमें चार कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के चार कंपोनेंट। यहाँ पर फाइनली तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी लिखा नहीं, मैं के की बात कर रहा हूँ अभी तो, है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी आगे चल के समझ में आ जाएगा। अब मैं के की बात कर रहा हूँ तो के भी चार घटक होने चाहिए, चार कंपोनेंट होने चाहिए, मतलब जिस भी क्वांटिटी की बात करते हैं फोर वेक्टर स्पेस के अंदर चतुर्विम आकाश में, वहाँ पर चार कंपोनेंट होते हैं उसके। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, चार कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो,
ये के का पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा, इसको मैं के वन लिख देता हूँ, इसको एक्स वन लिख देता हूँ, ये के टू है, ये एक्स टू लिखा था ना पहले, के जेड को के थ्री, जेड को एक्स थ्री, ऐसे लिखा था। अरे किया ही था ना हमने, जैसे एक्स क्या कर दिया था, एक्स वन कर दिया था, वाई को क्या कर दिया था, एक्स टू कर दिया था, जेड को क्या किया था, एक्स थ्री किया था, फिर आई सी टी को हमने क्या किया था, एक्स फोर किया था, याद है। इसका मतलब यहाँ पे चार कंपोनेंट तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर ये बनेंगे, और के वन के टू के थ्री और के फोर भी बनेगा। तो ये वाला जो टर्म है ना, उसकी हेल्प से हमारे को के फोर और एक्स फोर बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी तो पहले से है, ठीक है, जो भी है, मुझे आई सी टी बनाना है पूरा, तब जाके एक्स फोर बनेगा। तो आई सी से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम हो सकता है क्या? देखो कुछ करो, आई सी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो, बट ऐसे ही तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो जैसे मैंने सी से मल्टीप्लाई किया तो सी को डिवाइड भी कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आयोटा एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, तो मैं काम करता हूँ एक आयोटा और लिख देता हूँ, और यहां पे लिख देता हूँ प्लस। अब अगर वापस से ये मिल गया ना इससे, इसका मतलब मैंने ठीक किया है। देखो मिलेगा सी से, तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे आयोटा भी हट जाएगा, आयोटा भी हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी, मतलब माइनस ओमेगा टी था ये। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या किया मैंने, दो बार तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को प्लस बना दिया, और सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने ये कर दिया, एक तो आई सी टी बना दिया इसको, एक सी से डिवाइड हो गया, ये इस तरीके से बन गया। अब देखो ये आई सी टी, ये तो एक्स फोर हो जाएगा, और जो बाकी का बच गया ना इसके साथ में, ये क्या है, के फोर आ जाएगा। ये क्या हो गया, यहां पे आई सी टी जो है वो क्या बन गया, एक्स फोर बन गया, और इसके साथ में जो बाकी बचा ना आयोटा ओमेगा बाई सी, ये क्या बन गया, के फोर। के तो देखिए इसको करो, यहां पे आएगा के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू प्लस के थ्री एक्स थ्री प्लस, इसको लिख दो के फोर, और ये आ गया एक्स फोर, ये निश्चित, समझ आया। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखो, सारे चारों टर्म मिल गए होंगे आपको। देखो ये क्या है, के वन के टू के थ्री K4 मिल गया ना अपने को, K1 क्या है, K1 है K अक्ष, ये क्या है KY, ये क्या है KZ, ये क्या है आयोटा ओमेगा बाई सी, ये ना फोर्थ मिल गया। अब समझो यहाँ से चार कंपोनेंट मिल गए, चतुर्भुज आकाश में चार कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ये मिल गया। अभी मैं वो जो मैट्रिक्स का मेथड था उससे मैं क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना ये, एक सेकेंड, सही चल रहा है, हाँ। तो मैट्रिक्स मेथड था उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, ये देखो ये एस फ्रेम में दी जा रही एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम में अगर मेरे को करना हो एस डैश में, तो के वन डैश हो जाएगा, वो क्या होगा के एक्स डैश, के टू डैश वो क्या होगा के वाई डैश, के थ्री डैश वो क्या होगा के जेड डैश, और के फोर डैश वो क्या होगा आयोटा ओमेगा डैश बाई सी, आयोटा ओमेगा बाई सी है ना, तो आयोटा और सी तो कॉन्स्टेंट है, ओमेगा ओमेगा डैश हो गया, इस तरीके से चार हो जाएंगे। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग मैट्रिक्स मेथड से, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे बना देते हैं, एक थ्री क्रॉस थ्री का, सॉरी फोर क्रॉस फोर का आता है, ये थ्री क्रॉस थ्री बोल रहा हूँ मैं शायद काफ़ी टाइम से इसको, ये एक वेक्टर सॉरी एक कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा, यहाँ पे आके जैसे के वन डैश के टू डैश के थ्री डैश के फोर डैश, यहाँ पे आएगा गामा जीरो जीरो आयोटा बीटा गामा, ये मैट्रिक्स को याद रखना है, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो, इधर आएगा आयोटा बीटा
गामा माइनस का ये जीरो जीरो गामा ऐसा था, और यहाँ पे आएगा क्या के वन के टू के थ्री एंड के फोर, राइट क्लियर है। अब इससे हम लोग चार इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, चार इक्वेशन फाइंड आउट करें। पहला इधर आएगा के वन डैश, क्या आएगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा गामा के वन ये प्लस जीरो फिर ये लास्ट में आएगा आयोटा बीटा गामा के फोर, राइट क्लियर। चलिए ये पहला मिल गया, इसको थोड़ा ठीक से लिख ले क्या, ये पहले चारों लिख ले, पहले चारों लिख लेते हैं, इसको भी ठीक से लिख लेते हैं पहले। K1 वन डैश इक्वल टू गामा कॉमन ले लो K1 वन प्लस आयोटा बीटा के फोर, इसको इक्वेशन नंबर वन कर लो, नोट्स में मैंने मेरे को याद नहीं कौन सा नंबर दिया है इसको, बाकी अभी के लिए ध्यान रख लो। K2 टू डैश क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो तीन तो जीरो हो जाएंगे, केवल ये दूसरा टर्म K2 वाला आएगा, तो यहाँ से जो आएगा K2 डैश आएगा वो K2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से ये K3 डैश ये इससे आएगा तो K3 के बराबर आ जाएगा, सेम वे में कर रहे हैं जैसे अब तक किया दो तीन बार। K3 डैश इक्वल्स टू K3 आ गया। K4 डैश, K4 डैश क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K4 डैश, K4 डैश इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा बीटा गामा K1 माइनस आयोटा बीटा गामा K1 प्लस ये गामा के फोर से मल्टीप्लाई होगा, ये चारों मल्टीप्लाई के फोर से गामा, तो गामा के फोर ये आ गया, तो के फोर डैश इक्वल टू गामा के फोर को पहले लिख लो, ये माइनस आयोटा बीटा और ये के वन, ये बाद में लिख लेते हैं। ये चार इक्वेशन मिल गए अपने को, कौन कौन से, एक तो ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो, और ये चौथा, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, राइट क्लियर। एक सेकंड, सही चल रहा है। अब देखो हम लोग इनसे जुगाड़ करते हैं क्या, के वन डैश, के वन डैश किसको माना था हमने, के वन, एक सेकंड छोटा कर लेता हूँ मैं स्क्रीन, देखो के वन डैश का मतलब के अक्ष डैश, यही था गामा, के वन का मतलब के अक्ष वो है आयोटा बीटा, के फोर का मतलब के फोर, के फोर क्या है, के फोर है ये आयोटा ओमेगा बाई सी, के फोर इसी को तो माना था यहाँ पे, आयोटा ओमेगा बाई सी, आयोटा ओमेगा बाई सी, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, के एक्स माइनस वन माइनस बीटा ओमेगा बाई सी के एक्स डैश मिल गया, क्लियर है जो भी है, ठीक है। हाँ ये जो है सेकंड वाला के टू डैश, के टू डैश हो जाएगा के वाई डैश इक्वल्स टू के वाई, ये के थ्री डैश के जेड डैश इक्वल्स टू के जेड, और ये लास्ट वन जो कि क्या होगा के फोर, के फोर का वैल्यू क्या होता है, के फोर है आयोटा ओमेगा डैश बाई सी इक्वल टू गामा के फोर आयोटा ओमेगा बाई सी माइनस आयोटा बीटा के वन, K1 क्या होता है, K1 होता है K अक्ष, ठीक है, तो ये मिल गया अपने को, ठीक है, ये मिला अपने को जो भी मिला। इसमें क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं, इससे क्या जुगाड़ बना सकते हैं हम लोग, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, चलो देखो इसमें से आयोटा कॉमन आएगा, इधर भी आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा इधर से कैंसिल आउट, ओमेगा डैश में सी बचेगा, इधर गामा आयोटा कॉमन चला जाएगा तो ओमेगा बाय सी बचेगा, है ना,
और इसके अंदर आयोटा बाहर निकल गया तो बचेगा बीटा के अक्ष, ठीक है, ये जो भी आया सही है। सी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ओमेगा डेस, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी, इधर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी हट गया यहाँ से, इधर सी से पहले टर्म में मल्टीप्लाई होगा ओमेगा बचेगा, इधर बीटा है वी बाई सी होता है तो सी से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से और के एक्स बच जाएगा। अरे बीटा का वैल्यू वी बाई सी होता है तो वी बाई सी ऑलरेडी था, सी से मल्टीप्लाई किया सी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया, क्लियर। ये जब का मुझे जो भी है ये मिला, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ होता है ना, और ओमेगा डैश इक्वल टू क्या होगा टू पाई एफ डैश, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ओमेगा डैश को लिख रहा हूँ टू पाई एफ डैश गामा, ओमेगा को लिख रहा हूँ टू पाई एफ माइनस वी के एक्स, राइट। चलिए ओ एफ का वैल्यू एक सेकेंड, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, मिस्टेक तो नहीं हो रहा, के एक्स को के कॉस थीटा लिख दे तो ठीक है, जो भी है आगे चलिए। जैसे ऐसा है अगर मैं बात करूं के वेक्टर है तो यहाँ पर इसका एक्स घटक आएगा, एक्स कंपोनेंट आएगा, यहाँ से थीटा एंगल बनता है तो के कॉस थीटा वाला आएगा, यहाँ पर के कॉस थीटा क्या है एक्स घटक ही इसका एक्स कंपोनेंट है, तो हम लोग इसको के एक्स को के कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो के एक्स को के कॉस थीटा लिख लो एक बार। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि जो एफ और एफ डैश में हमने पहले रिलेशन फाइंड आउट किया था ना वही रिलेशन आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ से कैलकुलेट करो या वहाँ से, सेम चीज़ आ रही है, मतलब प्रूव होता है एक तरीके से देखा जाए तो। तो टू पाई एफ डैश इक्वल टू गामा टू पाई एफ माइनस वी, और ये हो गया के कॉस थीटा, ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब देखो टू पाई एफ डैश इक्वल टू गामा टू पाई एफ माइनस वी, के जो होता है ना के के एक सेकेंड, के जो है वो होता है टू पाई बाई लेमडा होता है, मैंने बोला था, फिर मैंने बोला था कि इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी एफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लेमडा बाई एफ क्या होता, लेमडा इंटू एफ क्या होता है सी होता है, तो के को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टू पाई एफ बाई सी लिख सकता हूँ, तो के को लिखो टू पाई एफ बाई सी इंटू कॉस थीटा, राइट। अब देखो टू पाई एफ इसमें भी है, टू पाई एफ इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लो, टू पाई एफ डैश इक्वल टू गामा और टू पाई एफ कॉमन ले लो, तो इसमें बचा वन माइनस वी बाई सी कॉस थीटा। ठीक है, वी बाई सी को बीटा लिख सकता हूँ, तो वन माइनस बीटा कॉस थीटा, और इधर से टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचा एफ डैश इक्वल टू गामा एफ। ये देखो अभी एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एफ के वैल्यू के लिए इन सबको इधर भेज दो, एफ डैश अपॉन गामा वन माइनस बीटा कॉस थीटा, ये आ गया एफ का वैल्यू, यही एफ का वैल्यू सेम वहाँ पे मिला था अपने को, चेक कर लीजिएगा, सेम वैल्यू मिला था, मतलब हमने क्या किया, हमने जो के का ट्रांसफॉर्मेशन किया था वहाँ से फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट किया, कि एक फ्रेम से फ्रीक्वेंसी एफ है, एक दूसरे में एफ डैश है, तो हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना उस मेथड से कैलकुलेट किया, और उस मेथड से भी अपने पास में जो वैल्यू आया ना वो सेम ही आ रहा है, एफ और एफ डैश का जो रिलेशन था वो यही था ना, एक सेकेंड आंसर मैच कर लेते हैं, वन माइनस बीटा कॉस थीटा यही है, तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब हमने जो पहले किया था वो करेक्ट था, या आप ऐसे समझ लो कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है ये जनरल मैट्रिक्स है, एक तरीके से किसी भी चीज़ का एस फ्रेम में, एस फ्रेम में ये वैल्यूज रहेंगे, एस डैश में ये, तो यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में वो वैल्यूज मिल जाएंगे जिसमें आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब मैं एक दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो इस लेक्चर में कितना टाइम बचा है,
इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन और फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा, है ना। अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी यूनिट में एक दो टॉपिक जो अभी इंपॉर्टेंट अभी मैं बताने वाला था वो अभी आया नहीं। एक टॉपिक आया अभी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, डॉपलर इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब तक जो इस यूनिट में पढ़ाया ना वो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, दो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।